हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हैवी सरसों ऑयल मसाज, कि सरसों के तेल से भी आप अपने बालों को कैसे मसाज कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं इसमें कुछ आपको हेल्पफुल टिप्स भी दूंगी। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने हैवी कोकोनट ऑयल मसाज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने उस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया, थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे आगे भी दीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरत है आपके प्यार और सपोर्ट की। तो आपने उस वीडियो में बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी कि मैं अगेन एक वीडियो शेयर करूं आप लोगों के साथ हैवी ऑयल मसाज की। और इस बार मैं जो मसाज करने जा रही हूं वो मैं करने जा रही हूं सरसों ऑयल से। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आते हैं, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों, एक चीज और बताना चाहती हूँ, ये जो आप इस वक्त मेरे हाथ में ये सरसों ऑयल की बोतल देख रहे हो, ये बोतल तो सरसों ऑयल की नहीं है, ये ऑलिव ऑयल की बोतल है, मैंने संभाल कर रखी हुई थी, क्योंकि मेरे पास इस वक्त सरसों ऑयल 100 ml की कोई और बोतल नहीं थी, तो मैंने इसमें ये डाल लिया था। तो ये आप देख सकते हो गाइस, ये 100 ml की ही बोतल है और इसमें मैंने सरसों ऑयल डाल लिया है। इसकी हेल्प से ही मैं आज ये मसाज करने जा रही हूं। तो चलिए देख लेते हैं। और उससे पहले मैं अपने बालों को कॉम कर लेती हूँ अच्छे से। और हाँ दोस्तों, आपको जो मेरे बालों में ये क्रीम्स नजर आ रहे हैं ना, इस पर भी मैं एक बहुत जल्द वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप वो मेरी हेल्पफुल वीडियोस देख पाएंगे। तो यहां पर मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लूंगी, ताकि मेरे बालों में कोई भी टैंगल ना रहे। और गाइज, आपको जो मेरी शक्ल थोड़ी सी मुरझाई लग रही है, वो इसलिए लग रही है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मुझे कोल्ड हुआ है और बुखार भी हुआ है। तो अब काम तो करना है भाई, क्योंकि काम से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। तो नॉट वेरी, मैंने टैबलेट ले ली है। और सीजन तो आप जानते ही हो कैसा चल रहा है, मौसम कैसा चल रहा है, सर्दी बहुत है। तो चलिए मैं आपको मसाज कर दिखाती हूं इस ऑयल की हेल्प से। थोड़ा थोड़ा लेकर आपने मसाज करनी है। और ध्यान रहे दोस्तों कि आपने बहुत ज्यादा ना प्रेशर नहीं डालना अपने बालों में, नहीं तो इससे की वजह से क्या होता है कि बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। जब मैं छोटी थी तो बचपन में मेरी दादी मेरी जो मसाज करते थे ना, उस टाइम पे सरसों ऑयल बेस्ट होता था, तो वो सरसों ऑयल से ही मेरे बालों की मसाज करते थे। और उस टाइम पर मेरे बाल जो थे ना बहुत ज्यादा हैवी थे, काले घने लंबे खूबसूरत बाल थे। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है या आफ्टर प्रेगनेंसी भी, मतलब बाल टूटने लग जाते हैं, हेयर फॉल होता है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से अभी मेरे बाल इतने ज्यादा हैवी तो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, सरसों ऑयल हमेशा ही बालों के लिए बेस्ट रहा है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे पापा भी आज तक सिर्फ सरसों ऑयल यूज करते हैं, उन्होंने कभी कोई अदर ऑयल आज तक कभी यूज नहीं किया है। और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है गाइस, सरसों ऑयल के भी बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे बालों के लिए। जब भी कभी आपके पास कोई और ऑयल ना हो और आपको टेंशन हो या किसी चीज का स्ट्रेस हो, तो आप सरसों ऑयल से भी अपने बालों को मसाज कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मतलब उस टाइम पे तो हमें इतने सारे ऑयल्स के बारे में पता ही नहीं था, आज तो बेशुमार इतने ऑयल्स आ गए हैं जिनकी गिनती ही नहीं है, लेकिन सरसों ऑयल सबसे बेस्ट है। तो इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बालों में ये कितना अच्छा रिजल्ट देता है, हमें तो ये देखना है। क्योंकि बॉडी पर भी आपको वैसे अगर मसाज करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आज भी काफी सारे स्पा में आपने देखा होगा सरसों ऑयल यूज होता है मसाज के लिए, इससे स्किन में एक बहुत अच्छी चमक आती है, स्किन के लिए अच्छा होता है। तो बालों में क्या रिजल्ट देता है मुझे ये आपको दिखाना है। एक चीज मुझे अच्छी लगी कि ये जो मैंने अभी क्रीम्स ट्राई किए थे, तो ये देखिए ऑयल लगाने के बाद भी एज इट इज है, ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी है कि ऑयल लगाने के बाद भी ये खराब नहीं हुए हैं। और फ्रेंड्स, आपने एक चीज और भी बोली थी कि मैं विदाउट पार्टिंग अपने बालों को बन बनाऊं, तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे 2 चोटियां बनाकर भेजती थी स्कूल में, तो उसी वजह से मेरी मांग ये एज इट इज रह गई है, तो क्योंकि कवर नहीं हो पाती है, कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत दिखती है तो भाई क्या कर सकते हैं, ये तो नेचुरल है और थोड़ी बहुत तो फिर भी दिखेगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगी इसे कवर करने की। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से बालों को डुबो लिया है ऑयल में, तो ये देखिए ये ऑयल खत्म होने वाला है। ये देखिए कैसे
ऑयल निकल रहा है। थोड़ा सा कॉम करने में मुझे परेशानी आएगी, आई न्यू इट, मैं जानती हूं ये बात, बट आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है और मैं उसे पूरा ना करूं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। आपने मुझे कुछ करने के लिए बोला और मैंने ना किया हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने खत्म कर दी है अपनी ऑयल, ये देखिए। That's it, अब ये खत्म हो चुका है और मैं अपने बालों को थोड़ा सुलझा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी मसाज जो है हो चुकी है अच्छे से और मैंने अपने बालों में कॉम्ब भी कर लिया, थोड़ा सुलझा लिए बालों को मैंने क्योंकि बहुत ज्यादा उलझ गए थे। तो अभी आपने बोला था कि मैं विदाउट पार्टिंग अपने बालों का बन बनाकर दिखाऊं, तो सबसे पहले मैं यहां पर बन बनाऊंगी, उसके बाद आपने बोला था कि मैं पोनी बनाकर गुद करूं यानी कि छोटी बनाऊं, वो भी करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से वैसे कॉम हो जाती है, जितना ज्यादा ऑयल लगाओ ना बाल बहुत अच्छे से सुलझ भी जाते हैं। ये देखिए मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं वैसे, कोई हेयर स्टाइल बनाना हो तो। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बन बनाकर दिखाती हूं। तो ये देखिए मैंने बन बना लिया है विद रबर बैंड। चलिए मैं आपको बैक से दिखा देती हूं। नेक्स्ट मैं यहां पर बना रही हूं पोनी और उसके बाद मैं प्लेट बनाऊंगी अपनी। तो ये देखिए मैंने पोनी ब्रेड भी बना ली है। तो कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट दोस्तों एक और रिक्वेस्ट आई थी कि मैं अपने बालों को फ्रंट में लाकर ब्रश करूं यानी कि ब्रश से कॉम करूं अपने बालों को, तो चलिए वो भी कर दिखा देती हूं मैं आपको। दोस्तों एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि कोकोनट ऑयल के भी बहुत सारे गुण आप जानते ही होंगे और लास्ट टाइम जब मैंने इसे शेयर किया था तो आपने देखा था बालों में कितनी अच्छी चमक आई थी। सरसों ऑयल से बालों में कैसा रिजल्ट आता है आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ और एंड में मैं आपको अपने बालों को वॉश कर भी दिखाऊंगी और टॉवल ड्राई कर भी दिखाऊंगी। तो प्लीज दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी मैं इसे अपने बालों में आधे घंटे तक लगाकर रखूंगी और वैसे मैंने अपने बालों को वॉश तो करना ही था, तो अभी मैं अपने बालों में ही इसे आधे घंटे तक लगाकर रखूंगी और उसके बाद अपने बालों में शैम्पू करूंगी अच्छे से, फिर आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि कैसा रिजल्ट आता है सरसों ऑयल से हमारे बालों में। तो चलिए मैं अपने बालों को वॉश करने के बाद थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपके काफी सारे रिक्वेस्ट पूरी हो गई होंगी, जितनी भी आपने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने पूरी कोशिश की है उन्हें पूरा करने की। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको कैसी लगी इतनी सारी जो मैंने रिक्वेस्ट आपकी पूरी की है, तो मुझे बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपने बालों को वॉश करके आ चुकी हूं और तो चलिए थोड़ी देर में मैं अपने बालों को ड्रायर कर उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूं।
तो ये देखिए मैंने अपने बालों को टॉवल से ड्राई करते हुए भी आपको दिखा दिया है। बस अब मैं थोड़ा ट्रायल करूंगी अपने बालों में, क्योंकि बाहर सर्दी बहुत है और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैं वैसे भी सर्दियों में ड्रायर यूज कर ही लेती हूँ, लेकिन गर्मी में मैं ड्रायर वगैरह यूज नहीं करती हूँ बालों को सुखाने के लिए। तो चलिए फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है सरसों ऑयल से मसाज कर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी चमक आई है बालों में, और बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ भी लग रहे हैं और थोड़ा बाउंसी भी लग रहे हैं मुझे मेरे बाल, तो आप देख सकते हो दोस्तों। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस ऑयल से मसाज कर। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने जो भी एक्सपीरियंस है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आशा करती हूँ पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।